जियो का सिम BSNL में कन्वर्ट करते हैं? हाँ करते हैं। कितना दिन टाइम लगेगा? 4 से 7। और क्या क्या पेपर लगेगा उसमें? आधार कार्ड और UPSC कोड चाहिए। तो देख रहे हैं आज हम लोग संडे के दिन आए थे और ये देख रहे थे कि संडे के दिन क्या BSNL का सिम पोर्ट हो रहा है कि नहीं पोर्ट हो रहा है जियो का। तो आज एक महिला आई, हम लोग सामने बात ही कर रहे थे तो क्या के पूछ रहे हैं कि जियो का सिम क्या BSNL में पोर्ट होगा तो नहीं होगा। ये जानते हैं यहाँ पे लगातार जो है सिम बेच रहे हैं। तो क्या आजकल देख रहे हैं कि BSNL पूरा डिमांड में चल रहा है? सच बात है ये? सच बात है ये। कैसे, क्या क्या डिमांड है इसका? ये सबसे सस्ता और अपना है, स्वदेशी है, इसलिए ज़्यादा डिमांड हो रहा है। तो कितने लोग आ रहे हैं आज संडे के दिन भी आप खोल के बैठे हुए हैं? डिमांड बहुत ज़्यादा, सुबह से बहुत भीड़ लगी हुई है। हर दिन, मतलब हर दिन भीड़ लग रही है, हर दिन भीड़ लग रही है। तो क्या है, पहले हम लोग जानना चाहें कि BSNL का प्लान क्या है, सबसे अच्छा प्लान, और आप बता पाएंगे कितना प्लान है, कैसे होता है? BSNL का सबसे सस्ता प्लान है 107 रुपये में आपका 35 दिन का इनकमिंग हो जाता है, 200 मिनट आउटगोइंग हो जाता है, जो कि घर यूज के लिए सबसे बेटर होता है। 107 रुपया? 107 रुपया। अच्छा। 147 रुपये का होता है जो कि 30 दिन का अनलिमिटेड कॉल होता है। हाँ। और डाटा 10 GB देता है। अच्छा, जो 10 GB मतलब एक महीना में? एक महीना में, जो कम यूजर के लिए डाटा, जो कम यूज करता है उसके लिए ज़्यादा बेटर होता है। 199 रुपये में 30 दिन का होता है। हाँ। जो कि डाटा 2 GB पर डे मिलता है, कॉल अनलिमिटेड रहता है, 100 SMS रहता है। 199 में 2 GB डेटा, 2 GB डेटा पर डे है। 30 दिन? 30 दिन। देखिए चाची सवाल पूछ रहे हैं आप, 28 डेज का है पूछ रहे हैं? क्योंकि जियो में 28 डेज ही देता है ना। अच्छा, तो हम जानना चाह रहे हैं BSNL का क्या है और जियो का क्या, दोनों में अंतर क्या है? अच्छा, 2 दिन ज़्यादा दे रहा है BSNL का, 2 दिन ज़्यादा देता है। ये 30 दिन का महीना है इसका। 30 दिन का महीना है। हाँ। अच्छा, तो देखिए जियो और बाकी एयरटेल में हम लोग 28 दिन का प्लान देखते हैं, लेकिन BSNL में जो है वो 30 दिन का महीना है। तो 199 में 2 GB डेटा हर, मतलब हर डे, 30 दिन तक। और इससे महंगा प्लान क्या है? मतलब और इससे महंगा प्लान है 485 का है। हाँ। उसमें क्या है? उसमें 1 GB डेटा पर डे है। हाँ। और कितना दिन का है वैलिडिटी? 82 दिन का वो। 82 दिन? हाँ, मतलब लगभग 3 महीने का, लगभग 3 महीने के आसपास। तब तो और सस्ता पड़ गया वो, है ना? 439 रुपये में आपका 90 दिन सिर्फ कॉलिंग रहेगा। 439, 90 दिन कॉलिंग, अनलिमिटेड कॉल, 3 महीना। 3 महीना, तो 1 महीना का 150 से भी कम पड़ गया। कम पड़ गया। हाँ। और क्या है प्लान? 1200 का एक प्लान, 1198 का प्लान एक है, जो कि 1 साल का इनकमिंग रहेगा और 300 पर महीना का कॉल देगा। 1 साल इनकमिंग? 1 साल, 100 रुपये पर महीना ऐसा। हाँ, मान के चलिए। देखिए किस तरह से BSNL का प्लान जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या है और क्या चल रहा है, तो यही प्लान है। आप जो अभी सिम दे रहे हैं वो कैसे लोग सिम लेते हैं, मतलब कितना टाइम लगेगा पोर्ट कराने में और क्या प्रोसेस है? पोर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पोर्ट करने के लिए अगला का जो भी नेटवर्क कंपनी है उसका वैलिडिटी होना चाहिए, UPSC कोड आना चाहिए। हाँ। मैसेज करने के बाद क्या मैसेज करना पड़ेगा? 1900 रुपये मैसेज करना पड़ता है, 1900 पे। हाँ। और कैपिटल PORT पोर्ट। हाँ। स्पेस। हाँ। मोबाइल नंबर लिखना होता है और उसी सिम से उसको सेंड करना होता है। अच्छा, जैसे मान लिए मेरा जियो का या एयरटेल का सिम है तो उसमें हम लिखेंगे पोर्ट और 1900 ना आप बोले। हाँ, 1900 में हम मैसेज कर देंगे तो मेरे पास कोड आएगा, UPSC कोड आएगा। UPSC कोड। हाँ। तो वो कोड को हम दिखाएंगे। UPSC क्या होता है, मतलब कन्वर्ट करने के लिए कोड आता है। हाँ। तो वो कोड आपको हम दिखाएंगे लाके। हाँ, वो कोड दिखाना होगा। हाँ। वो हम अपने ऐड करेंगे तब तो चालू होगा वो। अच्छा, वो ऐड कर देंगे तो हमको क्या नंबर भी चेंज हो जाएगा? मेरा नंबर नहीं चेंज होगा, कोड में नंबर चेंज नहीं होता, नहीं होता है, बस जो नंबर हम यूज़ कर रहे थे पहले वही नंबर, नंबर वही रहेगा, सिर्फ कंपनी चेंज हो जाएगी, कंपनी चेंज हो जाएगा। और नया सिम लेने का क्या प्रावधान है? नया सिम का 249 रुपये का है, FRC फर्स्ट रिचार्ज है, जो कि 45 दिन तक कॉलिंग और डाटा 2 GB पर डे रहता है। 249 रुपये हम आपको देंगे तो 45 दिन चलेगा मेरा, 45 दिन चलेगा आपका कॉलिंग वाला, कॉलिंग और डाटा, डाटा 2 GB पर डे, उसमें डेटा जो 2 GB पर डे, 249 रुपये, 249 रुपये में। और जब पहली बार हम सिम लेने आएंगे नया सिम तो हमको क्या क्या देना पड़ेगा? आधार कार्ड दिखाना होगा। हाँ। और आपका फिंगर लेंगे। हाँ। फोटो लेंगे आपका ऑनलाइन सब, उससे चालू हो जाएगा वो। तो जब नया सिम लेंगे तो वो कितना दिन में चालू हो जाएगा? वो फिलहाल तो 1 घंटे में चालू होता था पहले, अभी कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है सर्वर में, उसके चलते दिन भर 1 दिन का समय लग जाता है नया। हाँ, नया। और जो पोर्ट कराएंगे वो कितना दिन में पोर्ट हो जाएगा? वो 4 से 7 दिन के अंदर में होता है, जब मैसेज आ जाए मेरे पास। हाँ, 4 से 7 दिन है, रात में जब भी बंद हो जाएगा वो। जब भी 1 दिन बंद रहेगा? नहीं, बंद कोई दिन नहीं रहेगा, कोई दिन नहीं रहेगा, रात में ही बंद होता है, रात में ही चालू हो जाता है। अच्छा, चलिए, तो यही है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, कब से यहाँ बैठे हुए हैं आप? हम 8 साल से। 8 साल से?
तो मतलब 8 साल में सबसे ज्यादा क्या जियो BSNL का अभी डिमांड बढ़ा है? बहुत डिमांड बढ़ा है, अभी बढ़ा है। तो देखिए 8 सालों से ये बेच रहे हैं और BSNL का डिमांड यहाँ पे बढ़ गया है और लोग इसलिए कह रहे हैं कि बढ़ गया क्योंकि जियो का, एयरटेल का और VI का जो है दाम जो है डेटा का और इंटरनेट का बढ़ गया है। इसी को लेकर आज देख सकते हैं संडे को भी जो लोग हैं यहाँ पे, आप लोग BSNL लेने आए हैं? कुछ जानकारी लेना है BSNL के लिए। मेरे पास है BSNL 15 साल से। आप भी BSNL का? जी हाँ, मैं पोर्ट करवा लिया था, बस वो सिम एक्टिवेट कराने के लिए आया हूँ। पोर्ट करा चुके हैं? जी हाँ, एक्टिवेट कराने हैं। जी हाँ, एयरटेल से मैं BSNL में कन्वर्ट हो चुका। क्या बात कर रहे हैं, आप भी लेने आए हैं, देखने आए हैं? नहीं, देखने आए हैं। देखने आए हैं, तो देख सकते हैं संडे के दिन भी छुट्टी रहता है, ये ऑफिस भी बंद है लेकिन ऑफिस के बाहर भी जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो BSNL के एम्प्लॉई हैं वो बैठ के छतरी लगा के BSNL का लगातार जो है सिम बेच रहे हैं, लोग लगातार इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ये हज़ारीबाग का माहौल ये है कि BSNL का डिमांड इस कदर बढ़ गया है और अपने हमने आपको बताया किस तरह से BSNL का प्लान था 149 रुपये का, 199 रुपये का, 400 का और बाकी जितना प्लान है सब बताया। आप भी अगर पोर्ट कराना चाहते हैं तो हज़ारीबाग के ये पोस्ट ऑफिस के सामने BSNL का जो ऑफिस है और वहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं जो BSNL के भी सारा सिम जो है BSNL का ही रखते हैं और कैसे पोर्ट होता है और कैसे नया सिम ले सकते हैं सब इन्होंने बताया।